व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द रेडियो। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू एवरीवन। और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पीएम नरेंद्र मोदी अराइव्स एट रेड फोर्ट फॉर 77th इंडिपेंडेंस डे। ग्रैंड एंट्री देखने को मिलेगी इस वीडियो के अंदर। चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो को कर दें लाइक। 1 2 3 गो। दिल्ली की प्राचीर के सामने रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, डिफेंस राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट, प्रधानमंत्री की अगवानी करने के लिए यहां उपस्थित। लाल किले की प्राचीर के सामने जहां कुछ ही देर बाद माननीय प्रधानमंत्री पधारने वाले हैं। लाल किले के दक्षिणी छोर दिल्ली गेट की ओर से बिगुल का उद्घोष संकेत है कि आगमन हो रहा है दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का। लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। आजादी के जश्न में निखरा भारत के लोकतंत्र का ये रंग काफिला। भव्य लाल किले की पृष्ठभूमि और लाहौरी गेट की तरफ बढ़ता प्रधानमंत्री का काफिला। लाल किले के लाहौरी गेट पर प्रधानमंत्री की अगवानी रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री और रक्षा सचिव करेंगे। इसके बाद रक्षा सचिव दिल्ली क्षेत्र के जनरल ऑफिसर कमांडिंग का परिचय प्रधानमंत्री से करवाएंगे। सलामी के बाद माननीय प्रधानमंत्री सम्मान गारद का निरीक्षण करेंगे। उनका काफिला ऐतिहासिक लाल किले की इस भव्य पृष्ठभूमि से बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर। लाल किले की प्राचीर की ओर अ स्लाइट ब्रीज हल्की ब्यूगलर्स हेरल्डिंग द अराइवल ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हियर एट रेड। आज भी हल्की बारिश हो रखी थी, होती है हमेशा 15 अगस्त में हल्की सी बारिश। Prime Minister will be received by Raksha Mantri Shri Rajnath Singh, Raksha Rajya Mantri Shri Ajay Bhatt and Defence Secretary Shri Giridhar Armane. The two guard of honor is right in front, you see, is the National Flag Guard. And as the Prime Minister's carcade follows the gentle contours of the moat of Red Fort, moving towards Lahori Gate, where is positioned the Prime Minister's guard of honor. ये व्यू भी बहुत गजब लिया हुआ है। कई दिन पहले से ही मूड चलने लग जाते, रिहर्सल हर एक चीज। आगमन हो रहा है स्वाधीनता दिवस समारोह के मुख्य आयोजन स्थल ऐतिहासिक लाल किले पर, जहां से आज वे ध्वजारोहण करेंगे, राष्ट्र को संबोधित करेंगे। राजघाट पर माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित किए, प्रधानमंत्री महोदय को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा संयुक्त इंटर सर्विसेज और दिल्ली पुलिस गार्ड दस्ते के द्वारा, जिसके संयोजन की जिम्मेदारी इस बार थल सेना को सौंपी गई है। थल सेना, वायुसेना, दिल्ली पुलिस और उनकी संयुक्त कमान थल सेना के हाथों में इस वर्ष। बहुत सिक्योरिटी रहते हैं हमेशा साथ में। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन ऐतिहासिक लाल किले पर, जिनका विधिवत स्वागत रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट और रक्षा सचिव श्री गिरिधर आरामाने द्वारा, रक्षा सचिव द्वारा माननीय प्रधानमंत्री महोदय का परिचय कराया जा रहा है। जीओसी दिल्ली एरिया लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ। ऐसा मतलब जब इनका काफिला निकलता है, जैसे आज इंडिपेंडेंस डे के लिए लाल किले पर आए हैं, तो वो काफिला देखो, या जब भी कहीं जाते तो हमेशा सिक्योरिटी रहती है इनके, और वो प्रोटोकॉल होता है जिस तरीके से। इतना सुंदर लग रहा था ना, जैसे जो व्यू लिया हुआ, व्यू लिया, ड्रोन शॉट जो देखने को मिले, ये ऐसे ट्राई कलर में पूरी डेकोरेशन होती है ना,
ये चाहे वो 26 जनवरी पे इस पे बहुत ही एकदम देखो डेकोरेशंस और वही आपको पेट्रियोटिज्म वाली वाइब्स आती हैं। और मेरा कहने का मतलब कि हम भागदौड़ भरी जिंदगी में ना हम ये चीज भूल जाते हैं कि हम लोगों के लिए कितना सेक्रीफाइस करा है हमारे एंसेस्टर्स ने, हमारे जितने भी क्रांतिकारी थे, सोल्जर्स थे, और आज भी उन्होंने सेक्रीफाइस किया, उसमें से आज हम हैं। और आज भी डे इन डे आउट हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारे डिफेंस के लोग हमारे लिए इतना कुछ करते हैं कि मतलब आज हम बॉर्डर सिक्योर कर रहे हैं आराम से, मस्ती में, एसी में बैठे, हर एक चीज है। हाँ। क्योंकि वो लोग ये, और पता है क्या, एक रियलाइजेशन हमेशा होनी चाहिए कि वो है तो हम है, वो वाली बात। और वो कहेंगे कि भागदौड़ भरी जिंदगी में हम भूल जाते हैं, लेकिन जैसे इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे आता है, मूवीज आती है, पेट्रियोटिज्म, तो रियलाइजेशन होती है। लेकिन मुझे लगता है कि हमें जैसे हम भगवान को थैंकफुल करते हैं, वैसे हमें इनको, ये हमारे रियल लाइफ हीरोज हैं, इनको थैंकफुल रहना चाहिए हमें। और वंस अगेन हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ईच एंड एवरी वन। और भाई और वीडियोस हिंदुस्तानी, मतलब ऐसा नहीं है कि किसी को भी हम विश, मतलब विश तो वैसे इंडिपेंडेंस डे बाहर की कंट्रीज के लोग, आपका क्या सजेशन और वीडियोस का जरूर कमेंट करके बताना। बाकी मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।